I'm Dr. Haneet Gandhi. I teach in the Department of Education, University of Delhi. And today we will be discussing about how to write an academic paper, how to read an academic paper, and how to write an academic paper in a sensible way. So, ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक academic writing क्या होती है, बाकी writing से फर्क क्या होती है, या generally भी अगर आप एक research paper पढ़ते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किन किन बातों का ध्यान रख के पेपर पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू एंड मेरे पास आपके कमेंट्स आते जाएंगे. इफ़ यू हैव एनी थिंग यू कैन पुट इट अप इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी योर कमेंट्स. देर विल बी सम क्वेश्चन आंसरिंग. मैं कुछ क्वेश्चन पूछ हो सकता है बीच बीच में पोस्ट करूँ, हो सकता है आपको कुछ लिखने के लिए भी कहूँ. तो बी रेडी विद अ पेपर एंड अ पेन so that you can write certain things that I want you to. सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव इसको रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे एक सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब भी आप एक पेपर, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल और पेपर में क्या फ़र्क है ये बाद में बात करूँगी. सबसे पहले बुनियादी बातों से, बहुत छोटी छोटी बातों से, और अपनी प्रेजेंटेशन में मैं ये ज़रूर बात करूँगी कि जो पेपर पढ़ते हुए या लिखते हुए मुझे गलतियां नजर आती हैं. सो माय पेडागोजी ऑफ दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन मिस्टेक्स पेडागोजी. मतलब कि जो मुझे गलतियां अक्सर नज़र आती हैं वो आप ना करें, कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आप ना करें, इसको ध्यान में रखते हुए मेरी ये पेडागोजी है आज की इस लाइव स्ट्रीम की. सो लेट मी बिगिन. लेट मी फर्स्ट आस्क यू कि जब आप, और प्लीज अपने कमेंट्स लिखिएगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. आई वेट फॉर 3-4 कमेंट्स एंड देन आई विल रिज्यूम माय वर्क. सबसे पहले ये बताइए, जब आप एक पेपर सिलेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लुक फॉर व्हेन यू सिलेक्ट एन आर्टिकल? कैन आई हैव वन और टू रिस्पॉन्सेज एंड देन आई विल मूव अहेड. व्हाट आर द फर्स्ट few thing, what is the first thing that you look for when you choose an article? Asis, iska wo nahi aa raha. How do I put this off? How do I put this off? So some comments please, if I can have. What is the first thing that you look for when you have to select an article? कि somebody said a recent topic, तो अभी आप बात करें कि आपने टॉपिक शायद सिलेक्ट नहीं किया. मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ. आपका टॉपिक सिलेक्ट हो गया है, थीम. ओके, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय थीम ऑल्सो? सो द स्टेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यू हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक, यू नो व्हाट यू हैव टू रिसर्च फॉर. नाउ यू आर स्टार्टेड टू लुक फॉर रेलिवेंट लिटरेचर इन दैट एरिया. How relevant is it to me or to the work I am doing? What is related to my topic? Okay. Abstract. Somebody said abstract. Okay. Very well. How relevant is it to society? That actually depends upon your work. आपका काम कितना आपकी सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है, या आप जो कहना चाह रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है, आपका टॉपिक कितना रेलिवेंट है सोसाइटी में, या इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज इज व्हाट यू हैव टू सी. सर्टेन थिंग्स आर डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज विच इज ऑल्सो फाइन. सर्टेन थिंग्स हैव अ रेलिवेंस फॉर द सोसाइटी, सर्टेन थिंग्स एड टू पॉलिसीज. नाउ दीज आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग रिसर्च. उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वर्तमानकालीन प्रासंगिकता पर आधारित होना चाहिए. बिल्कुल. मेरे ख्याल से जब आप एक आर्टिकल चूज करना चाहते हैं, आप जब टाइप करते हैं गूगल स्कॉलर पे या जेस्टॉर पे या कहीं पर भी, तो आपके पास कीवर्ड्स टाइप करते ही बहुत सारे आर्टिकल्स आने लग जाते हैं. अब उन आर्टिकल्स में से आपने अपना एरिया चूज कर लिया है. हम एरिया के बारे में नहीं बात करें, एरिया कैसे बनता है आपका एक और लाइव सेशन उस पर हो चुका है. हम बात कर रहे हैं कि आपने एक एरिया चूज कर लिया है. अब आपने जब जैसे ही टाइप किया, आपके पास मान लीजिए 25, विच इज अ वेरी लेस नंबर, के आर्टिकल के पीडीएफ आपके पास खुल गए. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? मतलब आप 25 के 25, एक बहुत ही, दैट इज अ वेरी कॉमन
human tendency that if we get 25 articles, we download all 25 articles, irrespective of whether we need it or not. Now, this is a basic tendency. It's called a Darwinian tendency of human beings, that we download whatever we're getting. In coming up with this aspect, that kabhi future mein kaam aayega, kabhi to zarurat padegi, to hum sab download kar lete hain. Irrespective ki wo hamari kaam aayega, nahi aayega. So let's discuss on how do we look at these aspects और कैसे हम relevant topics को ले relevant articles को download करें और उनसे note making कैसे करें, that is what I'm going to talk about in this session. Obviously आपका area decide हो गया, आपको मालूम है आप किस area पे काम करने वाले हैं, तो probably आप सबसे पहले जब आपके पास 25 article आ गए, there are two ways of looking at it and I will tell you how I look at it. Probably I know कि जब मैंने एरिया सिलेक्ट किया था तो मुझे मालूम है उस एरिया में कौन से ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं जिन्होंने उस एरिया में कॉन्ट्रीब्यूट किया है. दैट काइंड ऑफ अ लिटरेचर, इतना आपको आइडिया होता है बिकॉज यू डू नॉट पिक अप अ टॉपिक इन थिन एयर. यू ऑब्वियसली हैव डन सम वर्क अबाउट इट. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू वर्किंग ऑन लेट्स से ग्राउंडेड थ्योरी, तो हो सकता है अगर आपका मेथडोलॉजी पे बहुत तवज्जो है तो ऑब्वियसली आप ग्राउंडेड थ्योरी पे जिन लोगों ने काम किया उनके बारे में जानना चाहेंगे, उनको ऑथर्स को देखना चाहेंगे. सपोज आई वॉन्ट टू नॉट इंस्टेड ऑफ मेथडोलॉजी आई वॉन्ट टू लुक एट लेट्स से आई एम अ मैथ्स पर्सन, तो मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैथ्स से आएंगे. सपोज आई वॉन्ट टू नो हाउ चिल्ड्रन थिंक, हाउ चिल्ड्रन डेवलप एन एलजेब्रिक थिंकिंग. So I know this X person and Y person are pioneers who started working in this field. So maybe I would first like to look at the credentials of the authors. Now that's one way of start looking at the articles. First think from the author's perspective and look at what the authors, what the people who are pioneer in that field, what have they got to say. जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है वो कहाँ तक बढ़ गए हैं, बिकॉज देर इज नो पॉइंट इन री इन्वेंटिंग द व्हील. इफ समबडी इज ऑलरेडी डन समथिंग, देर इज नो पॉइंट इन री डूइंग इट. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फर्स्ट लुक एट द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑथर. नाउ ऑब्वियसली देर आर गुड ऑथर्स एंड देर आर बैड ऑथर्स. कुछ बच्चे आपको आपको नहीं पता चलेगा कि ये किसी अच्छे ऑथर ने लिखे हैं या किसी नॉट सो गुड ऑथर ने लिखे हैं. नाउ हाउ डू यू मेक आउट फ्रॉम दैट? It depends upon how you understand the author. तो मैंने कुछ यहाँ points लिखे हुए हैं. For example, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जिस author का आप काम चुन रहे हैं या जो भी आपने paper लिया है उसके अंदर कोई argument है या नहीं. Is it just telling you about a description? Is it a journalistic writing? Journalistic writing मतलब जिसमें आप कुछ अपना कुछ एक anecdote है उसको बहुत detail में बता रहे हैं. लेकिन अगर एक ऑथर ने क्रेडेंशियल लेके एक आर्ग्यूमेंट है जिसको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस आर्टिकल को चुनना पसंद करेंगे रादर देन एन आर्टिकल इन विच द ऑथर डजंट हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड इट इज लाइक जस्ट गोइंग अ हॉपस्कॉच वे. कुछ उठा लिया, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया. हर पेपर में पीएचडी करें तो आपके पास बहुत सारे पेपर निकल जाएंगे, एमफिल करें तब भी आपके पास निकल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा पेपर वो है जिसमें आपके पास एक या दो आर्ग्यूमेंट ही हो. मैं ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रही हूं, मैं आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूं कि एक या दो आर्ग्यूमेंट हो और उस एक या दो आर्ग्यूमेंट के ऊपर आप इतने एविडेंसेस दें, इतने तरह से उसको समझाएं कि आपके रीडर उससे कन्विंस हो जाए. विच मीन्स यू नो इट्स लाइक सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट. सो यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज एन एरिया ऑफ वर्क. This is the argument that I'm building, and there are many things attached to it, and that I can prove it in a very convincible manner. एक example ले लेते हैं. ये example आप note कर लीजिए because मैं इसी research study के title को बार बार example के तौर पर use करूंगी. Suppose let's say I want to talk about my research area is, it's not a very good research area, it's not a very bad research area, but you can associate to it to the examples that I'm going to give. So for example, I want to see variables affecting teachers' attitude towards inclusive education. Variables, I'm repeating, variables affecting teachers' attitudes towards inclusive education. So मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन से variables हैं जो teacher के attitude को, inclusive education के ऊपर teachers के attitude को affect करते हैं. बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं. अब ये मेरा एक रिसर्च एरिया है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ.
इससे रिलेटेड मेरे ये कौन से आर्गुमेंट्स बनेंगे और इनको मैं कैसे कन्विंस करूँगी। सबसे पहले देयर कुड बी मैनी वेरिएबल्स। इफ यू ट्राई टू लुक एट आपके पास किन वेरिएबल्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दे का बात। बट अभी उसको छोड़कर आगे चलते हैं। सो सपोज यू हैव थॉट अबाउट एन ऑथर, यू शुड नो दैट द ऑथर has enough evidences to convince you as a researcher, not as a biased opinion. For example, ho sakta hai is study ke andar main dalna chahun ki teachers who have you have a very wide experience are more towards inclusive education. Matlab jinka agar 15 saal ka experience hai wo bahut hi pro inclusive education ho sakti hai, hoti hai. Ye biased attitude bhi ho sakta hai, ye biased mat bhi ho sakta hai, aur ye maine apne paper mein dal diya. तो आप इसको क्यों मानेंगे? ये मैंने क्या रिसर्च से निकाला या कैसे मैंने कह दिया? तो अगर मैं इस अवधारणा से चल रही हूँ कि जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, सपोज आई एम एन इंक्लूसिव एजुकेटर एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद दिस बायस, माई रिसर्च रिजल्ट विल ऑल्सो बी बायस टूवर्ड्स दैट। दैट्स नॉट अ गुड वे। यू नीड टू लुक एट कि मैंने बहुत ही अनबायस वे से एक रिसर्च को प्रमोट किया है, एक रिसर्च के बारे में लिखा है। इसका मतलब मैं ये भी बात करूंगी कि जिन जो प्री सर्विस टीचर्स हैं जिन्होंने कभी कोई अभी जॉब में एंटर नहीं किया, क्या उनका एटीट्यूड भी इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ प्रमोटिंग होता है या नहीं होता है? सो दिस काइंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, वेदर द रिसर्चर और द ऑथर इज मूविंग विद अ बायस्ड एटीट्यूड और एन अनबायस्ड वे थ्रू रिसर्च एनालिसिस। और ये आपको पता कहाँ से चलेगा, बताइए कहाँ से पता चलेगा आपको? जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, अभी आपके पास सबसे पहले टाइटल है और आपने ऑथर को देखा, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो उसका बायस्ड ओपिनियन है कि नहीं है? सम रिप्लाइज प्लीज। How will you come to know whether the mode in which the researcher or the author has written the article, is it biased or is it neutrally research based? One or two comments and then I proceed. I think I've not received any comments, so let me proceed. Okay, wonderful. By reading introduction and conclusion, thank you. Or by reading the hypothesis. अभी कीर्ति हम hypothesis पे पहुँचे नहीं हैं। अभी मैंने hypothesis के बारे में, hypothesis का मतलब क्या, आपके paper के बीच में आप पहुँच गई हैं। मैं वहाँ तक अभी पहुँची ही नहीं हूँ। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि आपके पास By reading the summary, summary भी paper के शायद end में आती है, which is good. By read, so obviously you thinking about this. You know how I would look at it? I would just look at the title. The title itself will tell you whether it is biases or not. For example, इसी title को मैं थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा twist करके बताती हूँ. In service. Teachers have positive attitude towards inclusive education. That's my title. If my title is like this, it reflects that I already have a belief that in-service teachers have a positive attitude towards inclusive education. And in that, then I will say with in-service teachers with these many years of experience, then I may go ahead. So from the title itself, you can make out some sense. That this there is a direction to the research in the researcher's mind. The researcher has thought about something and is trying to prove it in sort of a way which is not too very unbiased. That's a different thing. You can have a positively skewed research also. That's fine. But what I'm saying is, अभी मैं वो मुद्दा लेके चल रही हूँ जिसमें बिल्कुल neutrally research. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नए researchers हैं. तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि पहले आप एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर चले। जब आपके पास बहुत सालों की रिसर्च हो जाएगी और आपका एक आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंगली हो जाएगा, जब आप अच्छी तरह से इस बात को कन्विंस हो जाएंगे, तब आप
थोड़े से बायसेस को लेकर प्रमोट भी करना शुरू कर देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अब इस एज में आके अगर मैंने मानना शुरू कर दिया है कि एक पर्टिकुलर तरीके से मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, तो शायद मैं उस पर्टिकुलर तरीके को प्रमोट करना शुरू कर दूंगी। सो दैट इज व्हेन आई हैव सीन, सो बिफोर, बट व्हेन आई वाज एन एमेच्योर रिसर्चर आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। एट दैट टाइम आई विल बी टेकिंग अप एंड टेस्टिंग माई सेल्फ। After I've tested for a number of years, then I can produce that kind of a promotion. Now, this is promoting my idea that this is a good way of teaching. Okay. Now, having done that, अब आपके पास पेपर है, आपके पास टाइटल है और आपने ऑथर को भी टटोल लिया है। आप जानते हैं इस ऑथर का सब्सटेंशियल काम है इस एरिया में। अब जब आप एक पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? या अगर मैं कहूँ, लेट मी गिव यू, इन अ ट्रेडिशनल और इन अ कन्वेंशनल पेपर, उसमें ये छह सेक्शंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथडोलॉजी होता है, फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स होता है, डिस्कशंस होता है, कंक्लूजन होता है और रेफरेंसेस होता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सेक्शन एक कन्वेंशनल पेपर। मतलब अगर आपको कुछ भी गलत नहीं जाना है तो आपके रिसर्च पेपर में या किसी भी रिसर्च पेपर में ये सात हेडिंग्स, सब हेडिंग्स आपको जरूर मिलेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। अब बताइए कि इन सात में से आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? या इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तीन बता दीजिए। आई थिंक लेट्स टेक टू क्वेश्चंस टुगेदर। पहली तीन चीजें जो आप पढ़ते हैं इन सात में से, इफ यू नो आई विल रिपीट द सेवन अगेन। एब्स्ट्रैक्ट किस क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं ये भी, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स एंड डिस्कशंस, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, बहुत लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट कहा। तीन ले ले एक ही बारी में। पहले अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो सेकंड क्या पढ़ते हैं, फिर थर्ड क्या पढ़ते हैं, वन टू थ्री करके उस ऑर्डर में बता दीजिए। कॉमा बीच में लगा सकते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ओके, मेथडोलॉजी, ऑल राइट, abstract, introduction, methodology, abstract, introduction and then objectives. I see. Okay, I think I've got good number of responses. I can proceed. I'll tell you what I do. I don't read abstract. I'll tell you why. Title से मुझे idea तो हो गया है कि research किस बारे में है। एब्स्ट्रैक्ट एक कंसाइज वे है जिसमें आपको स्टडी की पूरी जिस्ट एक पता चल जाती है। उसमें दो लाइनें इंट्रोडक्शन होंगी, दो लाइनें मेथडोलॉजी की होंगी, दो लाइनें कंक्लूजन और फाइंडिंग्स के ऊपर होंगी। गुड वे टू रीड, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी बायस्ड विद वॉट इट इज। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड देन कंक्लूजन, ओके, वंडरफुल। I've got very good, interesting responses, but these are a bit different from how I read it. I'm going to be a very candid talk. I'll do a very candid talk to you how I read it and how I make notes. This is from my years of experience that I've gathered. Bookish knowledge पे आज मैं आज lecture लेना नहीं चाह रही थी। मैं लेना चाह रही थी कि ये आप ये जाने कि थोड़े से हम जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस को लेकर हम काम कैसे करते हैं। पहले जब मैं इमेच्योर थी, एमएड कर रही थी या पीएचडी कर रही थी, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज किया मैंने अपनी मेथडोलॉजी, मतलब अपना आइडिया का चेंज किया। आई डोंट रीड एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट। वो मुझे आइडिया थोड़ा सा टाइटल से हो गया है कि वो स्टडी मेरी स्टडी से रिलेटेड है या नहीं है। देन व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट रीडिंग द कंक्लूजन। आई रीड द कंक्लूजन फर्स्ट and I have a reason to do that, because conclusion is where I understand how relevant the findings of the researcher are to my study. Conclusion पढ़ने से मुझे ये idea मिल जाता है कि उस researcher ने जो काम किया है वो मेरे काम से तालमेल खाता है कि नहीं, रखता है कि नहीं रखता है।
वो कितना मेरी स्टडी में रेलिवेंट होगा उसकी फाइंडिंग्स। हर एक ही टाइटल के ऊपर आपके पास बहुत सारी फाइंडिंग्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने ये स्टडी ली, वेरिएबल्स अफेक्टिंग टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। उदाहरण लेके देखते हैं, सपोज कर लिए मैंने, मुझे 5 लोग मिले जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ टाइटल था जिनका, और नामी जामी लोग थे, दे वर स्टॉलवर्ड्स इन दिस एरिया। आई अंडरस्टूड कि किसी ने इन 3 वेरिएबल्स पे काम किया, जेंडर लिया, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिए और एक्सपीरियंस लिया। एक रिसर्चर ने ये 3 पे काम किया। दूसरे रिसर्चर ने देखा कि जो टीचर्स हैं उन्होंने उनकी कितना उनकी कितनी इंडक्शन प्रोग्राम्स उन्होंने अटेंड किए हुए हैं इसके ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, किसी को प्रायर ट्रेनिंग है कि नहीं है, और किसी ने काम किया इसके ऊपर। और थर्ड मैंने एक रिसर्चर देखा जिन्होंने इसके अंदर एक टेस्ट लगा के क्वांटिटेटिवली किया। और 2 रिसर्चर्स मैंने ऐसे देखे जिन्होंने इन्हीं वेरिएबल्स में से कुछ कुछ लेकर उस पर क्वालिटेटिव स्टडी की। नाउ आई हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट, एंड देर कुड बी मेनी वेरिएबल्स, ऑल राइट, आई मीन आई जस्ट लिस्टेड ऑफ 5 और 6 वेरिएबल्स, देर कुड बी मेनी वेरिएबल्स। एज अ रिसर्चर, इफ आई एम डूइंग माई PhD, आई विल नॉट गो इन टू रिसर्च एवरी थिंग, दैट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट। आई विल हैव टू मेक अप माई माइंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने ये इन 5 लोगों के जब रिसर्चेस पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे डेमोग्राफिक वेरिएबल चुनना अच्छा लगेगा, मैं लेवल ऑफ टीचिंग देखना बात करना चाहूंगी, मैं एज एक वेरिएबल लेना चाहूंगी, मैं उनका ओरिएंटेशन या उन्होंने कितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका लेना चाहूंगी, एंड फाइनली मैं एक क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहती हूँ। सो मैंने अपनी मेथडोलॉजी सोच ली कि मैं क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहती हूँ और मैं ये 3 या 4 वेरिएबल्स लेना चाहती हूँ। तो जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, मैं पहले उनके कंक्लूजन पे देखूंगी कि उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, जिसने एज से काम किया उसने एज के वेरिएबल को कैसे जोड़ा ऑन टीचर्स एटीट्यूड, जिसने डेमोग्राफिक वेरिएबल पे काम किया उन्होंने कैसे इसको जोड़ा विद इंक्लूसिव एजुकेशन, जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड किया था इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर उनका एटीट्यूड क्या था, पॉजिटिव था या और पॉजिटिव हो गया, या इन सब के अंदर भी कोई फैक्टर एनालिसिस किया। सो आई एम गोइंग टू रीड माई रीड अदर पीपल्स कंक्लूजन। उसके अंदर ना कंक्लूजन में आपको 2 बातें मिलती हैं, ट्रेड सीक्रेट है, आपको ये मिलेगा कि क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं प्राप्त हुए वो रिजल्ट्स जो चाह रहे थे। अगर एक अच्छा ऑथर है तो वो आपको अपनी लिमिटेशंस या जो वो चाह रहे थे वो क्यों नहीं मिला वो भी मिलेगा। एंड आई फर्मली बिलीव इन लुकिंग एट दोज पॉइंट्स विच डिड नॉट डू वेल। नाउ दे हेल्प मी इन 2 वेज। 1, शुड आई कंसिडर दोज एस्पेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर ऑथर के लिए काम नहीं किया, उस पर्टिकुलर रिसर्चर के लिए, और मैं कोशिश करूँ कि उनको चैलेंज करूँ, क्या मैं अपनी रिसर्च वहां लेके जाऊँ, या जो काम किए उनको ही स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूं इन माय ओन एरिया, इन माय ओन कॉन्टेक्स्ट, उस पर बात करने की कोशिश करूं। तो कंक्लूजन पढ़ने से मुझे दोनों चीजें मिल जाती हैं, गैप्स क्या थे जो उस रिसर्चर से नहीं फिल हो पाए, तो उन गैप्स को मैं कैसे फिल करूं, और अगर उस रिसर्चर ने कैसे किया है और उसके क्या रिजल्ट थे, वो मेरी रिजल्ट या मैं जो परसीव करती हूँ अपने काम में एज एन एंड प्रोडक्ट, वो कैसे उसके ऊपर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो रीडिंग द कंक्लूजन गिव्स मी दीज काइंड ऑफ इंडिकेशंस। सो आई रिकमेंड दैट यू शुड फर्स्ट लुक एट द कंक्लूजन। एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ी लेंगे बट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने में तो 5 मिनट लगेंगे, पढ़ लीजिए। कंक्लूजन जरूर पढ़िए क्योंकि वो कभी कभी बहुत वास्ट होता है, और कंक्लूजन का एक स्ट्रक्चर क्या होता है मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। But read the conclusion so that you have an idea of where, whether the research or whether the work that has been cited, whether the work is worth spending your time or not. Okay, so that is how I do it. Conclusion. अब मान लेते हैं आपने भी conclusion पढ़ ली, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये research जो है मेरी study से कितनी relevant है। Next क्या पढ़े? अब मैंने आपके थोड़ी सी जो टर्म्स थे ना उनको मैंने ऊपर नीचे कर दिया। मैंने सबसे पहले आपको मान कह रही हूँ आप कंक्लूजन पढ़िए, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, मान लिया, कंक्लूजन पढ़ लिया, थर्ड क्या पढ़ेंगे,
आई एम वेटिंग, आई थिंक शायद थोड़ा टाइम लगता है चैट को आने में। Okay, somebody said methodology. Yes, I forgot. मैं अपनी नोट्स कंसल्ट कर रही थी। आई फॉरगॉट टू मेंशन कि जब आप कंक्लूजन पढ़े तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन था उसको ध्यान में रख के पढ़े कि आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड वो जो कंक्लूजन्स हैं आर दे रेलिवेंट और आर दे नॉट रेलिवेंट। अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड उस ऑथर के कंक्लूजन नहीं थे, थोड़ा सा साइड में रख लीजिए उस पेपर को, आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, इंस्टेंटली जरूरत नहीं पड़ेगी। आई सी, सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग मेथोडोलॉजी, आई कंप्लीटली एग्री। नेक्स्ट यू शुड रीड मेथोडोलॉजी कि उस रिसर्चर ने काम किया कैसे। मेथोडोलॉजी रिव्यू लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर आप अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो आप कर ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आई टेल यू वेयर द ऑब्जेक्टिव्स आर। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजली इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन, यू नो वी एक्चुअली राइट इन द इंट्रोडक्शन, यू शुड बी राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सो फाइंडिंग्स इज ऑल्सो गुड टू रीड एट, और यू कैन रीड विद डिस्कशंस। बट इफ यू द देर आर टू वेज योर यू कैन पार्ट इन टू वेज, या तो आप डिस्कशन पहले पढ़ लीजिए या फिर आप मेथोडोलॉजी पढ़ लीजिए। डिस्कशन से क्या होगा, क्योंकि डिस्कशन जो है हमेशा उस रिसर्चर ने अपने रिसर्च क्वेश्चंस को ध्यान में रख के डिस्कशंस की होंगी, तो आपको दोनों चीजें वहां से पता चल जाएंगी जब वो डिस्कस कर रहे होंगे। सो यू विल कम टू नो व्हाई, बिकॉज व्हेन वी डू द व्हेन वी राइट द डिस्कशन सेक्शन वी मेक कनेक्शंस विद रेलिवेंट रिसर्चर्स, ऑलराइट, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट आवर ओन रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट। सो डिस्कशन से आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि रिसर्चर, हाउ द रिसर्चर इज कनेक्टेड टू देयर करंट सिनारियो, टू हिज और हर रिसर्च क्वेश्चंस एंड टू द स्टडीज दैट हैव बीन डन अर्लियर टू दैट पर्टिकुलर स्टडी। मतलब मान लीजिए मेरा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्टिकल भी अपना लिख रही हूँ तो डिस्कशन सेक्शन में हम क्या लिखेंगे कि मेरी जो फाइंडिंग्स थी वो बाकी लोगों की फाइंडिंग्स से अलग आई या उनके साथ मिलती जुलती आई और क्यों मिलती जुलती आई। सो वहां पर डिस्कशन में हम इस तरह की बात करें तो अगर आप चाहें डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन सी द मेथोडोलॉजी टू नो हाउ द रिसर्चर कंडक्टेड द रिसर्च। उसमें भी मैं सैम्पलिंग वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दूंगी, सैम्पलिंग तो आपकी अपनी होगी, मैं उस पर ध्यान देना चाहूंगी कि उसका प्रोटोकॉल क्या था, उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर उसने रिसर्च की कैसे, कैसे फील्ड को अप्रोच किया, कैसे लोगों से बातचीत की, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या था, उसको कौन सी उसने रिसर्च डिजाइन लिया। नाउ एक छोटा सा डिटूर ले रही हूँ क्योंकि रिसर्च डिजाइन की बात हुई है। बहुत सारी स्टडीज में मैं देखती हूँ कि लिखा होता है इट वॉज अ क्वालिटेटिव स्टडी या इट वॉज अ क्वान्टिटेटिव स्टडी, मेथोडोलॉजी के सेक्शन में लिखा होता है, या लिखा होता है इट वॉज अ मिक्स मेथड। Now, these are not your designs. This is an approach that you have taken to do your research. Please be very careful within these, what is your research design? Please read good books, and there are many good books related to research designs. Even if you're talking about qualitative research, what qualitative research were you doing? एंड नाउ देर आर सो मेनी सब पार्ट्स कि अगर आप कहें कि मैंने एथनोग्राफी रिसर्च लिए तो एथनोग्राफी भी बहुत तरीके से आगे उसके अंदर उसके भी रिसर्च डिजाइन आने लग पड़े हैं। तो अगर आप किसी अच्छे ऑथर का आर्टिकल उठा के देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी गुड ए ब्रांडेड जर्नल्स, उनके अंदर आप देखेंगे कि उनकी रिसर्च डिजाइन इतनी क्लियरली डिफाइंड होती है। इन नन ऑफ दीज आर्टिकल्स यू विल फाइंड दैट इट वॉज अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन और इट वॉज अ क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिजाइन। दीज आर, दिस इज समथिंग, अगर कुछ नहीं मिला तो ये स्टेट कर दिया। प्लीज अवॉइड दिस एंड राइट योर रिसर्च डिजाइन इन अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव मैनर। सो देर इज सम क्वेश्चन, आई टेक ऑन दैट अ लिटिल लेटर। Let me just begin, let me just talk about methodology. In methodology, you will come to know how the researcher attempted that
area, that research question. Now, if that, if you're trying to do the same thing, use it as it is, but if you're trying to do a different thing, then you must have an argument why you are looking it in a different methodology. आपके पास एक आर्ग्यूमेंट जरूर होना चाहिए, एक रैशनल जरूर होना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो और उसकी उस रिसर्च से, मेथोडोलॉजी से लेकर क्यों अलग भिन्न आपका मत है या क्यों उसके साथ में आप रखना चाहते हैं. ओके, समबडी आस्क्ड मी वांटेड ब्रिंग बायस इफ वन रीड्स डिस्कशन. वेल, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन ऑब्जेक्टिविटी. अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रख के अपने रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर अनबायस वे में चल रहे हैं, देन बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी बायसेस. इन फैक्ट इफ यू लुक एट डिस्कशंस ऑफ थ्री डिबेटेबल क्वेश्चंस जिन्होंने उसी एस्पेक्ट को प्रो एंड कॉन में लिखा है, तो आपके वो बायसेस वैसे ही हट जाएंगे. एजुकेशन में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको डिबेटेबल आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं. समबडी वुड से प्रो दैट एस्पेक्ट, समबडी वुड से नेगेटिव टू दैट एस्पेक्ट, एंड देन यू हैव टू टेक your own decision on what you want to do. For example, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा example दे देती हूँ इसके ऊपर, जो बहुत common example है maths education में, मतलब पहले हुआ करता था, अब तो हम उससे आगे बढ़ गए, कि क्या लड़कियाँ गणित में अच्छी होती हैं कि नहीं होती हैं. इसके ऊपर बहुत सारी researches हैं. इस पर इतनी debate है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. कई लोगों ने इसको sociological aspect से देखा है और कहा है कि फ़र्क नहीं होता है. कई लोगों ने इसको बायोलॉजिकल माइंड के स्ट्रक्चर और माइंड किस तरह से फंक्शन करता है उस पर कहा है. कई लोगों ने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखकर कहा है कि फर्क होता है. तो नाउ यू वांट टू टेक अप व्हाट एरिया डू यू, सो सपोज आई एम अ पर्सन, आई वांट टू बिलीव इन दैट सोशियोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड, देन माई रिसर्च आर्टिकल इज अ, आई वुड नॉट से बायस, बट इट इज प्रमोटिंग अ थॉट. Whereas if I'm going with that biological studies who try to look at the structure of the brain and they make a comment on that, on the cognitive, looking at the size of the brain and so on and so forth, then my arguments would be very different. But they are also unbiased because they are again rooted in idea which is again open to research. So education is full of debates. You have to think from where you pick up your aspect. So I think I just answered that, giving you the examples. Okay. Now what do we do? Okay, we've spoken about how do we look at the article, then what do we read at. Now let's talk about how do we make a research paper? How do we do an academic writing? Okay. Again, trade secrets, huh? First of all, try to be very simple and you don't have to use big jargons, believe me. लेकिन आपके thought की clarity होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत difficult शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन जो आप इस्तेमाल करें आपको उसकी clarity होनी चाहिए कि आप वो शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. रिसर्च में शब्द, रिसर्च इज लाइक मैथमेटिक्स, यू नो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन द वर्ड्स दैट यू आर चूजिंग. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से एटीट्यूड. नाउ एटीट्यूड, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, बहुत इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. सो फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से. इफ यू सेइंग एटीट्यूड, व्हाट डज एटीट्यूड मीन टू यू? ऑलराइट, टू यू आई एम सेइंग, एंड देन write what people mean by attitude and then say this is what attitude means to me, and throughout the paper stuck with that idea of attitude. Fir aapki writing mein ye nahi nazar aana chahiye ki are ye to attitude nahi, belief lag rahi hai, are ye to belief nahi, ye perspective lag raha hai. To fir aapki writing mein ye jhalak nahi aani chahiye. Jab aapne ek bar apne aap soch liya hai ki attitude meri drishtikon se ye hai, khud define kariye. Isi ko hum kehte hain operational definitions. आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ एटीट्यूड ऑफ टीचर्स और इनके अंदर मैं वेरिएबल्स दे रही हूँ एज, जेंडर, डेमोग्राफिक, तो डेमोग्राफिक वेरिएबल का मेरा मतलब क्या है? किस चीज को मैं एक डेमोग्राफी डिफाइन करूँ? हो सकता है मैंने पांच रिसर्चेस जो है, पांचों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है. उन सबको तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैंने उनमें से इन तीन को लिया है, और इन तीन को क्यों लिया है, दैट इज माई नेक्स्ट टॉपिक. Why have you chosen these three variables? Give a rationale to that. और ये rationale ये नहीं कि मुझे पसंद आया,
ये रैशनल आपका एक रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि ये तीन मुझे वेरिएबल्स क्यों लगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव एक्चुअली टेकन दीज वेरिएबल्स एंड आई वॉन्ट टू रीचेक देम, और ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव नॉट टेकन दिस वेरिएबल एंड आई फील दैट इट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल टू बी कंसिडर्ड बाई लुकिंग एट टीचर्स एटीट्यूड इन इंक्लूसिव एजुकेशन. सो यू हैव टू गिव, एंड वाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टू वेज, फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस यू गैदर दैट और फ्रॉम रिलेटेड रिव्यू यू गैदर दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल टू बी टॉक्ड ऑफ. सो आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस यू गिव एन ऑपरेशनल डेफिनेशन दैट दिस इज माई ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स दैट आई फील have a key role in making up the attitude towards inclusive education of these teachers. Now teachers may be आप उसको प्री सर्विस पे भी काम कर सकते हैं, इन सर्विस पे भी काम कर सकते हैं, तो फिर बताइए कि आपने प्री सर्विस पे काम क्यों करना चाहो. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ आई कैन ब्रिंग अप एन आर्ग्यूमेंट, आई वॉन्ट टू चेक दिस एटीट्यूड एट प्री सर्विस लेवल बिकॉज आई बिलीव दैट इफ वन कंसिडर्स देयर एटीट्यूड एट द प्री सर्विस लेवल माई रिसर्च कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन लेट से मेकिंग अप अ सिलेबस फॉर बीएड प्रोग्राम्स. और इफ इन प्री सर्विस लेवल इफ द टीचर्स आर इफ आई कम टू नो अबाउट द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एट द प्री सर्विस लेवल देन दे कुड बी गिवन सच एंड सच ट्रेनिंग एट देयर इन सर्विस लेवल. Which means I've built up an argument why I'm working with pre-service teachers. Everything has to be done based on a rationale or on a justification. It is very important as a researcher कि आप हर चीज का अपना एक रैशनल क्यों दें. इसको एक और तरीका से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप एक लाइन बनाएं या कुछ भी लिखें तो एक डेविल की तरह सोचें. डेविल की तरह सोचने का मतलब है आप ये सोचें कि इसके ऊपर जो है अगर आप एक क्वेश्चन लगा लीजिए उसके साथ हमेशा, सो व्हाट. कभी भी आप एक लाइन लिखिए तो लिखिए सो व्हाट, मतलब हो गया तो क्या, किसको फायदा होगा, कौन पढ़ेगा, क्या जरूरत है जानने की. अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देते देते अपना पेपर लिखेंगे तो जो आपका रीडर है वो आप एक्चुअली हर चीज के साथ उसका जस्टिफिकेशन देंगे और आपका रीडर आपके माइंड को पढ़ पाएंगे. अगर आप अच्छे रिसर्च देंगे तो उसमें वो अपनी कमियां भी बताते हैं that this is what I wanted to do, I could not do this, I failed because of these reasons. It's not just saying that I failed because of these problems. It could be a problem of just entering into the field. For example, you could not do a random sampling, so you're not sure whether the results will hold good or not. You did a little biased sampling, which is all right, but then give a justification of why you did, because so that the other person who picks up a study like this knows that this is the limitation and I don't have to do that, or I can also similarly do the same thing. So think about it like a devil, think about it that every line you must answer a question, so what and for whom. For whom are you doing this study? Sirf apni PhD ke liye to nahi kar rahe hai na, aap usko kuch contribute karwana chahte honge, aap uske bare mein kisi policy mein uske bare mein baat karna chahte honge, aap chahte hain ki jab aapne 5 saal ki mehnat ki hai to acche results aaye taki aur log us cheez ko refer kar sake. और रेफर तभी करेंगे जब आप उस पर्सपेक्टिव से लिखेंगे. अगर आप सिर्फ इस छोटे पर्सपेक्टिव से लिखेंगे कि आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी थी, देन नोबडी इज गोइंग टू रीड इट. सो टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हु इज गोइंग टू रीड इट एंड व्हाई. नाउ बहुत कम टाइम रह गया है, इन नेक्स्ट 15 मिनट्स लेट मी जस्ट सम अप ऑन हाउ यू शुड राइट एन आर्टिकल एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिकल. तो सबसे पहले जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करेंगे नेचुरली आप एक ढांचा तो बना लेंगे. आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है. अब इंट्रोडक्शन को आप एक मान के चलिए एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, ओके, उल्टा ट्रायंगल, त्रिभुज, एक उल्टा त्रिभुज है. उल्टा त्रिभुज का मतलब सबसे ऊपर जहां ऊपर ऊपर जब मैं कह रही हूं बड़ा है वहां से आप स्टार्ट करते हैं गिविंग अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. नाउ आई वॉन्ट टू पॉइंट वन कैवियट हियर विच आई सी इन मेनी रिसर्चेस, मेनी पेपर आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहती हूं कि मैथ्स में लेसन प्लान का क्या रोल है. अब इसको लेकर अगर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूं तो मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए, एक तो मैथ्स की टीचिंग लर्निंग के ऊपर और एक लेसन प्लानिंग, क्योंकि मेरे टाइटल में सिर्फ यही दो चीजें हैं. तो इन्हीं दो चीजों के ऊपर अपनी इंट्रोडक्शन बनाइए प्लीज. बहुत बात करने की जरूरत नहीं है,
एनसीएफ क्या कहता है, गणितीय सोच होनी चाहिए, फिर उसके बाद हिस्टोरिकली मैथ्स कैसे बढ़ी या मैथ्स का इंडिया में क्या प्लेस है, उस सब के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत प्रिसाइज शब्दों में अपना पेपर लिखना है। कई बार आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको सिर्फ 8 पेजेस में अपनी बात कहनी होती है। इट हैज टू बी सो प्रिसाइज एंड देर इज अ वे ऑफ राइटिंग एन 8 पेज आर्टिकल एंड दैट 8 पेज आर्टिकल कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ 32 पेज आर्टिकल। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेट्स से ओनली एन 8 पेज आर्टिकल विच इज बाई कन्वेंशन इन ऑल कॉन्फ्रेंसेज। सो जस्ट बिगिन ऑन दीज की कंस्ट्रक्ट, जो की कंस्ट्रक्ट आपके टाइटल में है सिर्फ उन्हीं की बात अपने इंट्रोडक्शन में कीजिए। शुरुआत कीजिए उन कंस्ट्रक्ट का ब्रॉडर आउटलुक से, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो इन इंटरनेशनल रिसर्चेस। देन कम आउट टू नैरो इट डाउन टू योर ओन रिसर्च, योर ओन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एंड लेसन प्लानिंग। तो गणित में लेसन प्लान, अगर मैं बात करूंगी तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मैं पहले बात करूंगी गणित और लेसन प्लान, फिर हो सकता है मैं कुछ तरह के लेसन प्लान की बारे में वैरायटी के बारे में बात करूं क्योंकि मेरी स्टडी में आगे मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूं, और फिर उसके बाद इन डिफरेंट साइकोलॉजिकली बेस्ड या सोशियोलॉजिकली बेस्ड जो लेसन प्लान है, मान लीजिए कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड लेसन प्लान है, बिहेवियरिस्टिक बेस्ड लेसन प्लान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनका आइडिया मैथ साइकोलॉजी से क्या है। तो अगर बिहेवियरिस्टिक लेसन प्लान होगा तो आपका पढ़ाने का तरीका भी बिहेवियरिस्टिक होगा, इसलिए इस एरिया में बात करने की बहुत जरूरत है। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये दोनों कनेक्ट किए तो मैंने एक रिसर्च करने का एक रिसर्च क्वेश्चन या एक रिसर्च गैप या एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर किया है कि देखिए इस क्षेत्र में काम करने की क्या जरूरत है। मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया यहाँ पर कि अगर आपका लेसन प्लान, मेरा मानना है या स्टडीज के थ्रू मुझे पता चलता है कि अगर लेसन प्लानिंग बिहेवियरिस्टिक मोड से होगी तो पढ़ाई भी बिहेवियरिस्टिक मोड से होगी, और अगर टीचर्स की प्लानिंग जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम में हो रही है तो मैथ्स भी वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम में पढ़ाएंगी। ये मेरा एक एक हाइपोथेसिस बन गया जो जिसको भी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया है। इस इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मैंने रिसर्च गैप भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि ये मुझे एक रिसर्च क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ और मैं इसके बारे में कहना चाह रही हूँ। और कई स्टडीज ने कहा है कि ऐसा होता है और कई स्टडीज ने कहा है ऐसा नहीं होता है। सो आई वॉन्ट टू सी कि एक क्लासरूम के अंदर, इंडियन क्लासरूम के अंदर क्या ऐसा हो रहा है या इसका क्या कनेक्शन है। तो जब आप देखेंगे ये मेरा नैरो हो गया। और हाँ सॉरी, एक चीज और ऐड कर देती हूँ, मिडिल स्कूल में कि मिडिल ग्रेड्स में ये कैसे, यानी 6, 7, 8 में लेसन प्लानिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है टीचर की टीचिंग पे। तो मैंने इसको बिल्कुल नैरो कर दिया। अब आते आते विद इन माय इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ही जब आप एक पेपर पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में ही जब वो इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा उस लास्ट पैराग्राफ को जरूर पढ़िए। वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आप लिखें ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, कई स्टडीज में और अच्छी स्टडीज में वो ऑब्जेक्टिव उस पैराग्राफ के अंदर मिलता है आपको। वहां आपको दो चीजें मिलेंगी, रिसर्च गैप और रिसर्च क्वेश्चन या रैशनल ऑफ डूइंग द स्टडी। तो ये दोनों चीजें आपको जब टेपरिंग हो रही होती है इंट्रोडक्शन तो वहां पर आपको मिलेंगी, और फिर आप लिख देते हैं वहां पर जनरली एक लाइन होती है, इन दिस पेपर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, और इन दिस पेपर द ऑथर्स आर गोइंग टू एड्रेस टू दिस क्वेश्चन, दिस पेपर इज मेजरली अबाउट दिस दिस दिस। इस तरह की बातें आपको उस पैराग्राफ के एंड में मिलेंगी, विच मीन नाउ यू हैव डिक्लेयर्ड व्हाट योर रिसर्च इज ऑल अबाउट। If somebody is interested, they will go ahead and read your research. If somebody is not interested, they will read your research then and there after reading your introduction. Now you have given your idea कि आपका research किस बारे में है। जब आपने उस last paragraph में research objectives एक verbal way में बता दिए, मतलब मैं point wise नहीं कह रही हूँ, जब आपने gap भी बता दिया, rationale भी build up कर दिया है, तो कोशिश करिए अपनी conclusion लिखने की। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, अब ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा, रेगुलर ट्राइंगल, त्रिभुज, अगेन त्रिभुज। तो वो इन्वर्टेड त्रिभुज था, ये अब आपका साधारण त्रिभुज, मतलब ऊपर कोण और नीचे बेस आ रहा। उल्टी तरीके से लिखिए कंक्लूजन, जहां आपने रिसर्च गैप बताया था कंक्लूजन में देखिए उसी फॉर्मेट में आप रिसर्च गैप को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब जो प्रश्न आपने वहां रेज किए थे उनके उत्तर आपकी कंक्लूजन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सिमिलरली
पहली छोटी बात है, मिडिल स्कूल ग्रेड टीचर्स के अंदर गणित के लेसन प्लान जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स थी उससे आपको क्या मिला, क्या उत्तर मिले आपको उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा और ब्रॉडर आइए और फिर बात करिए कि कैसे लेसन प्लानिंग जो है गणित की शिक्षण साधारण जेनरिक गणित शिक्षण पे कैसे प्रभाव डालती है। तो पहले अगेन कंक्लूजन में नैरो पर्सपेक्टिव जो आपके एरिया ऑफ रिसर्च से आया, आपको जो रिसर्च मिली उसमें आपको कैसे आपने देखा, फाइंडिंग से कैसे आपने जोड़ा, क्या वॉज देर एन इफेक्ट ऑफ द लेसन प्लानिंग ऑन टीचर्स टीचिंग और नॉट थ्रू योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासेस, एंड देन यू गो ऑन फर्दर ब्रिंगिंग इट ब्रॉडर टू ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ लेसन प्लानिंग एंड मैथमेटिक्स। सो दे आर लाइक ऑपोजिट, इफ इंट्रोडक्शन इज लाइक दिस, कंक्लूजन इज लाइक दिस, ऑलराइट, फिनिश दीज टू एंड देन इट इज सिंपल। इफ यू डन दीज टू एस्पेक्ट, आपने 50% ऑफ द पेपर अपना खत्म कर लिया है। अब मेथडोलॉजी तो आपके लिए लिखना आसान है क्योंकि वो तो आपने किया ही किया है। मेथडोलॉजी में आप सैम्पलिंग से शुरू करिए। सैम्पलिंग में जरूर ये बताइए कि आपने सैम्पलिंग की कैसे थी, वॉट वॉज द बेसिस ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू नो नाउ आई डोंट माइंड इफ यू टेकन अ पर्पज ऑफ सैम्पलिंग, बट प्लीज बी ऑनेस्ट एंड से वाई यू टुक अ पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। वो पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि शायद आपका रिसर्च का जो आपका एरिया था उसमें आपको एंट्री ही इसी प्रोसेस से मिल सकती थी, वहां रैंडमाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता था। सिंपल, जरूरी नहीं है कि आपने रैंडमाइज, अगर आप हर चीज रैंडमाइजेशन से होती तो हमारे पास इतने रिसर्च डिजाइन नहीं होते। हर चीज के लिए आपके पास रिसर्च डिजाइन है। तो अगर आपने देख लिया है कि आपके पास पर्पसिव सैम्पलिंग की है तो प्लीज उसमें बताइए जरूर कि आपकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों आपने पर्पसिव सैम्पलिंग, क्योंकि एक्चुअली पर्पसिव या कन्वीनियंट सैम्पलिंग प्रोसीजर्स बहुत अच्छे सैम्पलिंग प्रोसीजर्स माने नहीं जाते, मतलब बहुत साइंटिफिक नहीं माने जाते हैं। पर फिर भी अगर आपने किया है तो जरा इतना तो बता दीजिए कि क्यों किया, नॉट जस्ट सेइंग दैट यू नो आई दिस वॉज डन। नाउ दैट गिव्स अ लिटिल बैड इंप्रेशन दैट वर यू लेजी इन नॉट डूइंग रैंडम सैम्पलिंग और वर दीज योर लिमिटेशन दैट यू कुड नॉट डू, कुड नॉट गो बियॉन्ड, कुड नॉट, वर नॉट एबल टू डू रैंडम सैम्पलिंग। सो दैट इज समथिंग इफ यू जस्टिफाई देन इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट आपका सोच ठीक थी लेकिन शायद आपकी कुछ लिमिटेशन थी फील्ड में जाने की जिस वजह से आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर पाए और आपने ये वाली सैम्पलिंग, विच इज फाइन। वो रीसैम्पलिंग प्रोसीजर क्या था, किस तरह से आप स्कूल में गए, किस तरह से आपने टीचर्स, हो सकता है किसी स्टेज पे आपने रैंडम सैम्पलिंग की थी और किसी स्टेज पे आपने पर्पसिव सैम्पलिंग की। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में आपने सिलेक्शन किया तो आपने पर्पसली किया, भाई जिस प्रिंसिपल को आप जानते थे उसी प्रिंसिपल में आपको मिल सकते थे या कन्वीनियंटली आप गए और उनसे मिले। अब जब स्कूल में गए तो वहां आपने बच्चों का जो सिलेक्शन किया वो रैंडमली किया। तो दिस इज वेयर यू नीड टू, यू नो आई सी मेनी स्टडीज वे दिस, दे डोंट इवन टेल यू व्हाट आई वेंट टू द स्कूल, आई डिड दिस एंड आई डिड दैट एंड आई डिड, सो द रीडर इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि ये किया क्यों और ऐसे ऐसे क्यों किया, मतलब व्हेन यू कुड एक्सेस द अदर वे अराउंड व्हाई डिड यू डू दिस। सो डिफाइन योर सैम्पलिंग, देन गिव योर मेथडोलॉजी, हाउ यू डिड इट, हाउ यू सैट विद द पार्टिसिपेंट्स, व्हाई डिड यू डू अ ऑब्जर्वेशन, व्हाई यू कुड नॉट डू एन इंटरव्यू, व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट यू फॉलोड, एंड देन प्लीज गिव अ जस्टिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू वर डूइंग। लास्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज यस, आई हैव स्पोकन अबाउट टॉकिंग अबाउट योर सो व्हाट and yes, in methodology do talk about data analysis also, how you proceeded on doing data analysis, when you were doing data analysis, जैसे for example अगर आपने transcription किया है तो transcription भी आपने कैसे किया, video से लेकर कोई software लिया जिससे आपने transcribe किया, फिर उसमें आपने marking की 1 2 3 4 हर document की, आपने gestures उसके अंदर कैसे डाले, तो ये सारी बातें आपको बता देनी चाहिए। इट्स यू नो इट्स लाइक जैसे मन हल्का हो जाता है, तो ये सारी बातें आप बताइए कि आपने analysis भी कैसे किया, thematically फिर उनको डाला transcribes को, या आपने उनको time wise उनको अलग किया, या पहले आपने यू नो कोडिंग की फिर कोडिंग लेकर थीमेटिकली उनको अलग किया और फिर आपने बात करनी चाहिए कि thematic analysis किया, ये बताने की बहुत जरूरत है। देर इज अ क्वेश्चन दैट कैन वी अप्लाई दीज इन आर रिसर्च थीसिस, कैन वी यूज एनी WH वर्ड इन द टाइटल,
Oh, you mean to say, could the research title be a question? If I've understood correctly, probably you're saying that can we use any WH word in the title means if you can question your title. Well, not in your thesis, I would not suggest it. Where if you're raising an article, because I remember, very recently I wrote an article in which I posed a question. But that's a research article, it's not a research paper. I have not spoken about that. What is the difference between a research article and a research paper? Articles, yes, you can have a question. In research papers, it is not advisable. For example, in a research article, I can say that, sorry, there's some. Okay. In a research article, I can say that there's a very famous article that we read in mathematics. Can Johnny add? Now, that's a question. Can Johnny add by place value? Now, that's a research article. But it's written in a research paper style. So, अगर आप पेपर के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, अवॉइड करिए प्रश्न ना हो, लेकिन आपके रिसर्च क्वेश्चंस तो बीच में आ ही जाएंगे जहां पर आपके पास इन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। कैन वी अप्लाई दीज टू आर रिसर्च थीसिस? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च थीसिस, आई मीन व्हाट यू कैन अप्लाई। सी, टिपिकली ऑल रिसर्च थीसिस आर रिटन इन दीज फॉलोइंग चैप्टर्स, बट there are many other innovative ways to write your research thesis also. One of the ways that I've adopted with my students is I ask them not to write a separate chapter on review literature. And I have a reason for that. Because review literature, अलग से chapter क्यों मुझे नहीं समझ में आता. जब आपको introduction करते हुए भी review लिखना है, methodology करते हुए भी आप देखते हैं बाकी लोगों ने क्या methodology की थी. जैसे मैंने अभी qualitative, quantitative का example दिया. बहुत से लोगों ने हो सकता है एटीट्यूड वेरिएबल्स को क्वांटिटेटिवली पढ़ा हो, मैं क्वालिटेटिव करना चाहती हूँ उस स्टडी को. जब आप डिस्कशन या कंक्लूजन लिखते हैं तब भी आप बताते हैं कि मेरी स्टडी में ये आया और बाकी लोगों की स्टडी में ये आया था, तो तब भी इन अ वे आप रिव्यू को रेफर कर रहे हैं. सो आई फील दैट रिव्यू शुड बी पार्ट ऑफ एवरी चैप्टर. सो देर इज नो पॉइंट इन राइटिंग अ रिव्यू चैप्टर सेपरेटली. वेन यू आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, रेफर टू अदर पीपल वर्क एंड राइट योर आर्ग्यूमेंट इन योर इंट्रोडक्शन. When you're doing your methodology, please say these people this followed this methodology. These people followed this methodology. Out of these, I feel this is my methodology. I have to use it because I find इसमें ये गैप थे, इसमें ये गैप थे, इसके ये प्लस पॉइंट थे, इसके ये प्लस पॉइंट थे, तो मैं ये ले गई मेथडोलॉजी में. सो योर मेथडोलॉजी चैप्टर ऑल्सो कम्स फ्रॉम दीज टू रिसर्च रिव्यूज. वाइल दिस कंक्लूडिंग यू डेफिनेटली हैव टू यूज your review literature, because then you have to put your argument with respect to what others have done. You know, you can never build your argument in isolation. आपको बताना पड़ेगा कि इन इन स्टडीज का कंक्लूजन ये था, उन उन स्टडीज का कंक्लूजन ये था, मेरी स्टडी का कंक्लूजन उससे ऐसे मेल खाता है और उससे ऐसे मेल नहीं रखता है. तो वो बातें आप कंक्लूजन में भी करते हैं. इसलिए एक रिसर्च थीसिस को अगर आप, एंड आई वुड सजेस्ट दैट आप बहुत सारे, अब तो गूगल पे इतना कुछ है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के कुछ रिसर्च थीसिस जरूर पढ़ के देखिए. दे आर वेरी इनोवेटिव और कहीं कहीं पर तो फाइंडिंग्स के ऊपर ही तीन तीन चार चार चैप्टर्स हैं. और कई रिसर्चेस तो होती भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च देखेंगे या एथनोग्राफिकल रिसर्च देखेंगे, तो वो हो सकता है इन पांच स्ट्रिक्ट कन्वेंशनल वेज को फॉलो भी ना करें. उनकी तो मेथोडोलॉजी साथ के साथ बन रही होती है, हाइपोथेसिस नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी ऑल्सो हाउ यू शुड राइट योर थीसिस. यू नो देयर कम मेनी क्वेश्चंस. आई लेट मी एंड एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर मेनी मोस्ट ऑफ देम. व्हाट थिंग्स शुड वी इंक्लूड इन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर दैट वी गेट फ्रॉम द लिटरेचर? What things you should include? As I just said, methodology में भी आ सकता है और बाकी जगह भी आ सकता है. ज्योति, if you could just elaborate, if I've not answered your question, elaborate because I think I've answered. Is it necessary to do sampling according to the method of X? Random sampling for quantitative methods. Well, depends upon the nature of the study. डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च डिजाइन यू आर टेकिंग. देर आर मेनी एक्सपेरिमेंटल, अगर आप क्वान्टिटेटिव की बात करें तो परहैप्स शायद आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप देखेंगे देर आर थ्री पैराडाइम्स, क्वान्टिटेटिव
true experimental, quasi experimental, pre experimental. Quasi and pre experimental designs do not follow randomization always. So that depends upon the nature of your study. If you're following a, let's say, pre experimental design, perhaps shayad aap randomize nahi kar rahe honge, zarurat shayad na pade. Is it necessary to write research paper or article in third person? No. No, I don't think so. It's my work. Why should I always write it in a third person? Why should I always say that the researcher does this or the author does this? If you have an opinion, it is your work. Take credit of that. I love myself. I will put, but yes, it should not be over obsession of yourself also. So take a mixed method. Some way use a researcher and some way you can use quote yourself as I, but it should not having just I, me, 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 myself, myself, myself. You have to take a very balanced approach in writing. So generally what I do is I write at one or two places where I have to make a very strong comment. I use my research, or this is according to my research, and these are the claims that I'm clinging on to. And well, on the other ways, if I have to make a generic statement, I say the researcher was not aware of this, or the researcher liked to do it in such a way, or this research is about this, then I use a third person. So take a balanced approach. Don't go too much into you and yourself, because that's also presents a very biased thought. And it looks like that, you know, you're clinging onto an idea without taking others' perspective into view. So that's my answer to that. If there are more questions, I'd be happy to take that. Couple of few points that you can note down, or you know, you can helpful points while you're doing a research is when you take doing a review of literature. Often ये होता है कि हमने 100-150 studies पढ़ ली होती है और हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको कैसे bind up करें या कौन सी कब पढ़ी थी. 5 साल में इतनी studies पढ़ चुके होते हैं. It's a good idea to, and अब तो आपके computer में भी इतनी सारी studies download हो जाती हैं कि आपको पता नहीं चलता. Two ways you can adopt. One is that select some highlighting colors. If you're working on a PDF, select some highlighting colors. For example, red for something and blue for something and green for something, and stick to that. तो जब आप skim कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा red जो है मेरे research questions के लिए. तो हर article में आपने red जो है जहां पर उस author ने research question point out किया तो आपने वहां पर red लगाया हुआ है. जहां जहां आपने उस author ने research question के ऊपर जवाब दिया आपने green लगाया हुआ है. तो आपके लिए बहुत sifting करना बहुत आसान हो जाएगा, sieve करना बहुत आसान हो जाएगा. That's one way of doing. और या आप margins में अपने notes बना लीजिए. Margin जो होता है study का उसमें लिख लीजिए अगर आपका print out है. नहीं है तो आपको तो PDF में भी आप लिख सकते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, बट आई डोंट नो इफ यू कैन बाय दोस सॉफ्टवेयर, बिकॉज दीज आर आइदर इंस्टीट्यूशनल और यू हैव टू बाय दीज सॉफ्टवेयर्स. सम देर आर मेनी गुड सॉफ्टवेयर विच यू कैन रेफर टू डू रिव्यू ऑफ लिटरेचर. द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू विच इज वेरी इफेक्टिव इज मेक अ समरी टेबल. एक एक्सेल शीट पे या एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप में एक शीट बना लीजिए और उसके अंदर कॉलम्स बना लीजिए. ऑथर का नाम, पेपर का ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, रिसर्च क्वेश्चन, और लास्ट में लिखिए हाउ इज दिस रिसर्च रेलेवेंट टू माई वर्क. तो ये 5 या 6 कॉलम ना एड डिलीट कर सकते हैं आप अपने अपने जरूरत के अनुसार. बट इस तरह से तो पहले कॉलम में सिर्फ आप ये लिखिए ऑथर. फॉर एग्जाम्पल गांधी 2017, तो आपने गांधी 2017 को लिख लिया. वो आपके डेस्कटॉप में तो पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है. गांधी 2017 टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है. फिर आपने लिखा मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. गांधी 2017 का जो पेपर था उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसका डिजाइन क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, फाइंडिंग्स क्या थी. और फिर आपने लिखा कि ये स्टडी, लास्ट कॉलम में आपने लिखा कि इस स्टडी से मैं क्या लेके जाऊंगा या जाऊंगी. तो हो सकता है आपकी उसको मेथोडोलॉजी पसंद आई थी, हो सकता है उस आर्टिकल में आपको रिसर्च आर्ग्यूमेंट अच्छे लगे, हो सकता है आपको उस आर्टिकल का सिर्फ राइटिंग स्टाइल अच्छा लगा कि जब मैं अपना पेपर बनाऊंगी तो मैं इस राइटिंग स्टाइल में बनाऊंगी. तो ये आपके एक लास्ट कॉलम में अपने नोट्स बना लीजिए. तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक ही शीट के ऊपर रेडी रेफरेंस बन जाता है. आप जब भी चाहें तो आप इसको फटाफट देखकर, स्पेशली उसमें भी जब आप लास्ट कॉलम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अरे ये मुझे यहां से देखना था, वो मुझे वहां से देखना था, ये चीज मुझे यहां देखनी थी. तो आपके लिए वो बड़ा अच्छा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है. आई थिंक वी आर थ्रू विद आवर टाइम. इट्स 12:03 एंड आई रियली एंजॉय टेकिंग दिस सेशन.
If it was anything that I, if you have questions with me, my email ID is haneetgandhi@gmail.com. You can write to me and happy doing research. Be an honest researcher. Make your arguments well. Put a convincing thought into your work and all the best for your work. I hope you benefited from this talk. Have a very good day. Bye.